आज हम ब्लूटूथ का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ब्लूटूथ का मतलब क्या होता है। अगर सपोज लेट्स से तुम्हारे पास एक मोबाइल है और तुम्हारे बाजू में एक दूसरा मोबाइल पड़ा हुआ है, और अगर सपोज मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हें अपने मोबाइल से इस दूसरे मोबाइल पर डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो ऐसा करने के लिए तुम अलग अलग ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ऐसा तुम व्हाट्सएप की मदद से कर सकते हो, टेलीग्राम की मदद से कर सकते हो, डिस्कॉर्ड की मदद से कर सकते हो। ऐसा करने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। बट अगर सपोज मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हें उस मोबाइल पर अपने मोबाइल से डेटा तो ट्रांसफ़र करना है बट विदाउट इंटरनेट डेटा ट्रांसफर करना है, तो अब क्या तुम उन ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हो? एंड द आंसर इज नो, क्योंकि तुम्हें इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, राइट? तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से तुम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, एंड दैट टू विदाउट इंटरनेट? एंड द आंसर इज ब्लूटूथ। ब्लूटूथ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से तुम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे कोई भी डेटा या वॉइस ट्रांसफर कर सकते हो विदाउट इंटरनेट। ओके, अब ब्लूटूथ का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ब्लूटूथ का डेफिनेशन ये कहता है कि ब्लूटूथ इज अ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डेटा ओवर स्मॉलर डिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि ब्लूटूथ एक वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल हम एक छोटे डिस्टेंस के अंदर एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। अब हम ब्लूटूथ के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जिसके मदद से आपको ब्लूटूथ के बारे में और ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि ये जो छोटा डिस्टेंस की मैं बात कर रहा था अभी, ये जो छोटा डिस्टेंस है मतलब ब्लूटूथ का जो कवरेज एरिया है वो अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर होता है, ठीक है, जनरली। एंड ब्लूटूथ से अगर तुम्हें एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे डेटा ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए तुम्हें कोई भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हें डेटा ट्रांसफ़र करना है ब्लूटूथ की मदद से तो तुम्हें सबसे पहले बहुत सारी मशीनरीज लानी पड़ेगी, उनको सेट करना पड़ेगा, फिर ही तुम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तुम्हें बस अपने मोबाइल पर ब्लूटूथ ऑन करना है, उसके मोबाइल पर ब्लूटूथ ऑन करना है और चुपचाप डेटा ट्रांसफ़र करना है, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं करना है। ओके, सेकंड पॉइंट सेज दैट कि ब्लूटूथ इज एन एग्जांपल ऑफ एडहॉक नेटवर्क। अब जैसे कि हमने डेफिनेशन में बात कर रहे थे हम लोग कि ब्लूटूथ एक वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी है, तो जो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड वायरलेस नेटवर्क और दूसरा होता है एडहॉक वायरलेस नेटवर्क। तो एडहॉक वायरलेस नेटवर्क का जो एग्जाम्पल है वो ब्लूटूथ है। थर्ड पॉइंट से इज दैट कि कंपेयर टू वाईफाई, अगर वाईफाई से ब्लूटूथ का कंपैरिजन किया गया तो ब्लूटूथ थोड़ा सा स्लो है। मतलब ब्लूटूथ की जो स्पीड है या डेटा ट्रांसफ़र रेट है वो स्लो है एज़ कम्पेयर टू वाईफाई का डेटा ट्रांसफ़र रेट, और ब्लूटूथ का जो रेंज है वो लिमिटेड है एज़ कम्पेयर टू वाईफाई का रेंज, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज दैट कि इट अप्लाइज FHSS विद अ 1600 हॉप्स पर सेकेंड हॉपिंग रेट। इसका मतलब सबसे पहले तो ये जो FHSS है इसका फुल फॉर्म होता है फ्रिक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम। ओके, बट एक्चुअली मैं इस लाइन का मतलब इस वीडियो में नहीं समझाऊंगा क्योंकि मुझे फिर ये क्या होता है इसकी पूरी की पूरी राम कहानी सुनानी पड़ेगी। तो आई वुड सजेस्ट या आई वुड रिकमेंड कि इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, तो आप वो वाला वीडियो देख लीजिए, और वो वाला वीडियो देखने के बाद आपको ये लाइन क्या कहना चाहती है ये समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा। और अगर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि वो वीडियो कहाँ पे है, तो प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे मैंने अवेलेबल करा दिया है आई बटन में, और प्लेलिस्ट में स्टार्टिंग में ही कहीं तो भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अब हम आखिरी पॉइंट के ऊपर जम करते हैं, विच सेज दैट कि जनरली कम्युनिकेशन स्पीड इज लेस देन 1 Mbps। ब्लूटूथ का जो कम्युनिकेशन स्पीड है या ब्लूटूथ का जो डेटा ट्रांसफर रेट है वो जनरली 1 Mbps से भी कम होता है। अब हम ब्लूटूथ के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस का अभ्यास करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको मेरे नोट्स के बारे में बता देना चाहता हूँ। इस सब्जेक्ट के नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। अगर आपको एग्जाम में बेटर रिजल्ट चाहिए या ऐसे टॉपिक्स के बारे में बेटर नॉलेज चाहिए तो उसके लिए आप हमारे नोट्स चेकआउट कर सकते हो। नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब एडवांटेजेस में जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि ब्लूटूथ इज़ वेरी इजी टू यूज़। तुम्हें खुद को ही पता है कि अगर तुम्हें ब्लूटूथ की मदद से एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे डेटा ट्रांसफ़र करना है तो ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। तुम्हें बस अपने मोबाइल पे ब्लूटूथ ऑन करना है, सामने वाले के मोबाइल पे भी ब्लूटूथ ऑन करना है, एंड बस जो डेटा तुम्हें सेंड करना है उस डेटा पे क्लिक करके शेयर विद ब्लूटूथ बटन दबा देना है और फिर डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि लो कॉस्ट। तुम्हें अगर ब्लूटूथ से एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे डेटा ट्रांसफर करना है तो उसके लिए तुम्हें कोई भी एक्स्ट्रा पैसे भरने की जरूरत नहीं है। ब्लूटूथ ये टेक्नोलॉजी या ब्लूटूथ ये ऑप्शन मोबाइल में इनबिल्ट आता है,
तुम्हें कोई भी एक्स्ट्रा पैसे डालने की जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट इज दैट कि वायरलेस टेक्नोलॉजी, तुम्हें ऐसा करने के लिए कोई भी वायर एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे कनेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। तुम वायरलेसली ऐसा कर सकते हो या वायरलेसली एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे डेटा ट्रांसफर कर सकते हो ब्लूटूथ की मदद से। फोर्थ पॉइंट इज दैट कि यूज फॉर वॉइस एंड डेटा ट्रांसफर विदाउट इंटरनेट। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि ब्लूटूथ की मदद से तुम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे वॉइस और डेटा ट्रांसफर कर सकते हो एंड दैट टू विदाउट इंटरनेट। अब हम डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले डिसएडवांटेजेस, स्लो डेटा ट्रांसफर रेट। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी पॉइंट्स पे, इसका जो डेटा ट्रांसफर रेट है वो बहुत ज़्यादा स्लो है या इट इज़ लेस देन 1 Mbps। सेकेंड पॉइंट इज दैट कि स्मॉल रेंज, इसका जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर या 10 मीटर से भी कभी कभी स्मॉल होता है। थर्ड पॉइंट इज दैट कि ब्लूटूथ इज लेस सिक्योर, इसको इजीली हैक किया जा सकता है या इजीली जो तुम डेटा ट्रांसफर कर रहे हो उस डेटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब ये सारी की सारी चीज़ें लिखने में बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है, इसलिए अगर आप इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दोगे मुझे दिल से काफ़ी खुशी होगी। बाकी ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय।